नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर पाकिस्तान ने ताला लगा दिया है। वजह क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन वहां से जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। और इस बीच खबर एक ये भी है कि भारत का जो सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है, दुश्मन है दाऊद इब्राहिम, उसको वहां पर जहर दे दिया गया है और वह अस्पताल में अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। खबर में कितनी सच्चाई ये तो पता नहीं, लेकिन एक खबर जो है वो पुख्ता है, और वो पुख्ता खबर ये है कि भारत के एक और दुश्मन जिसने उरी में अटैक किया था, वो हबीबुल्ला आतंकी पाकिस्तान में ठोक दिया गया है। जी हाँ, एक और आतंकी को पाकिस्तान में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ठोक दिया। वो बंदूकधारी कौन है इसका अंदाजा आप लगाइए, बताने की जरूरत नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, अगर पाकिस्तान में जाकर कोई ठोक रहा है और भारत के दुश्मनों को ही लगातार ठोक रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति ही काम कर रही है। हालांकि भारत सरकार इस पर बोल चुकी है कि जो लोग पाकिस्तान में मरना नहीं चाहते हैं, वो लोग आए, समर्पण कर दे और भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरे, और कानूनी प्रक्रिया से अगर वो निर्दोष है तो छूट कर चले जाए। तो भारत का अपना स्टैंड क्लियर, वहां कौन मार रहा है ये भारत ने कहा, हमें नहीं पता उनको कौन मार रहा है, लेकिन वो अपनी जान वहां बचाना चाहते हैं तो भारत में आ सकते हैं, यहां कानूनी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। लेकिन अब वहां पर आतंकियों में खौफ है, पाकिस्तान की एजेंसियां उनको सुरक्षा मुहैया कराई रही है, खबर ये। उसके बावजूद कुछ अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, कार में सवार होकर आते हैं और इन आतंकियों को ठोक कर चले जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में एक दर्जन से ज्यादा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले ऐसे आतंकियों को ठोका जा चुका है। और अब जो खबर है कि जो खूंखार आतंकवादियों के लिस्ट में जो शामिल था लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी हबीबुल्ला, उसको भी रविवार की शाम को पाकिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया है। अज्ञात हमलावर वैसे ही आए, उस पर फायरिंग की और जिसमें वो जगह पर ही ढेर हो गया, ये खबर वहां से आ रही है। हबीबुल्ला, आपको बता दें कि भारत में जो उड़ी में अटैक हुआ था 2016 में, उसमें ये शामिल था, इस पर आरोप लगे थे और उसके बाद भारत ने तब सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो हाफिज सईद को बताया जाता है, और हाफिज सईद का ये बहुत करीबी था ये भी बताया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में मार गिराया गया है। और हबीबुल्ला भारत में, जैसे मैंने बताया कि उड़ी के हमले में वो शामिल था, और अगर पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान में ऐसे ही भारत विरोधी जो आतंकी है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है या भारत को जिनकी तलाश है, उनको वहाँ पर ठोका जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों बिलाल मुर्शिद, अकरम गाजी, अबू कासिम जैसे खूंखार आतंकवादियों को वहाँ पर मार गिराया गया है। और खैबर पख्तूनवा के टैंग ज़िले में इस घटना में भारत के लिए राहत की वजह दी है, मतलब ये जो घटना हुई है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुई है, जहाँ के टैंक ज़िले में ये मौजूद था और वहीं पर कुछ अज्ञात बंदूकधारी आए और वो इसे ठोक के चले गए। और इस बीच खबर ये भी है कि जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का जो आरोपी है और जो शामिल रहा है, जो मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम, उसको लेकर भी पाकिस्तान से खबर आ रही है। खबरें तो कई तरह की उड़ रही है कि उस अस्पताल में कोई पहुंच नहीं रहा है, वहां पर जिस अस्पताल में इसको भर्ती किया गया है, अंतिम सांसें गिन रहा है, किसी ने इसको जहर दे दिया है और ये भी अपनी अंतिम वक्त से गुजर रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, वीके न्यूज़ इस पर आपको बता चुका है कि एक अफवाह भी हो सकती है, पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कई खबरें वायरल की जा चुकी हैं। पाकिस्तान हालांकि इस बात से इनकार करता रहता है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ रहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि दाऊद पाकिस्तान के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, तो उसके भी कुछ मायने हैं कि पाकिस्तान कम से कम सरकार नहीं मान रही, लेकिन वहाँ का मीडिया और वहाँ के लोग अगर ये मान रहे हैं तो ये बड़ी खबर है कि वहाँ पर दाऊद इब्राहिम की इस तरह से हालत हो गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पर लगातार ये जो पाकिस्तान में घटनाएं हो रही है, इस पर विदेश मंत्रालय से पूछा भी गया था भारत में, तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा था कि जो लोग भारत में वांटेड है, हम उन्हें यहीं पर न्याय की प्रक्रिया के तहत सजा देना चाहते हैं, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम उनको वहाँ जाकर मारे, लेकिन हमारा मानना है कि लोगों को भारत में ही प्रत्यर्पण किया जाए और वो यहाँ आए, न्याय की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन वो भाग रहे हैं और भाग के मौत की तरफ ही भाग रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ऐसे ही पाकिस्तानी आतंकियों की अब मौत आ गई है और वो
भारत से भागते हुए पाकिस्तान में ही भाग रहे हैं और पाकिस्तान में ही उनको ठोका जा रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है और इस लिस्ट में आज एक फिर नाम जुड़ गया है, उड़ी हमले में शामिल आतंकी लश्कर ए तैयबा के आतंकी हबीबुल्ला का। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।